हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ऑल आज का मेरा वीडियो है कि आप किस तरह से कम जगह पर अपने गार्डनिंग के शौक़ को पूरा कर सकते हैं देखिए कई लोग कहते हैं कि हमें गार्डनिंग का शौक़ तो है लेकिन कम जगह होने की वजह से हमारा ये शौक़ पूरा नहीं हो पाता है तो आप वर्टिकल गार्डनिंग कर सकते हैं वैसे भी आजकल वर्टिकल गार्डनिंग बहुत ज़्यादा चलन में है जिसमें वॉल के ऊपर कील को हैंग कर, कर आप मार्केट में जो भी अलग अलग फ्रेम्स आते हैं उन्हें लगा कर डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स लगा सकते हैं तो इससे प्लांट्स सुंदर भी लगते हैं और अट्रैक्टिव भी लगते हैं इसके अलावा अगर ग्रिल है तो उसके ऊपर भी प्लांट्स हैंग कर सकते हैं जैसे कि देखिए मैंने ये ग्रिल के ऊपर हैंग किए हुए हैं और अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स हैंग करेंगे बड़े प्यारे लगेंगे चाहे तो एक जैसे प्लांट्स भी हैंग कर सकते हैं यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का लुक देना चाहते हैं तो ग्रिल पर टंगे हुए प्लांट्स दूर से दिखते हैं और अट्रैक्टिव लगते हैं तो कहने का मतलब है कि जगह कम है तो यह नहीं सोचना कि हमें प्लांट्स नहीं लगाने हमने अपनी जगह के अनुसार एडजस्ट करना है प्लांट्स किस तरह से लगाएं यह देखना है तो देखिए आप गोल बास्केट भी ले सकते हैं जैसे मैंने पहले आपको दिखाई अलग तरह की बास्केट या गोल बास्केट हैं तो मार्केट में कई तरह की बास्केट्स आती हैं गोल लंबी अलग अलग शेप में आती हैं तो डिफरेंट डिफरेंट शेप को आप चूज कर सकते हैं अपनी जगह को ध्यान में रखकर चूज करिए यानी कम जगह है किस किस जगह पर आप लगा रहे हैं यह इम्पोर्टेंट है उस जगह के अनुसार आप बास्केट को चयन करेंगे तो फिर वह अच्छी भी लगेगी यानी ज़्यादा बड़ी जगह है तो बड़ी बास्केट ले सकते हैं छोटी जगह है तो छोटी बास्केट लें या फिर कोई भी अलग शेप की बास्केट लेना चाहते हैं तो शेप की बास्केट ले सकते हैं तो इस तरह से देखिए मैंने गोल बास्केट में मोस ग्रास लगाई है प्यारी लग रही है आप प्लास्टिक की कोई भी जो बोटल्स हैं उनको कट करके भी बास्केट बना सकते हैं उनमें भी प्लांट्स लगे हुए खूबसूरत लगते हैं तो कहने का मतलब है कि प्लांट्स हैं वह किसी भी आप पोट में लगाएंगे अच्छे लगेंगे तो देखिए ये मैंने हैंगिंग बास्केट में लगाए हुए हैं ये मेरा एक हैंगिंग बास्केट है जिसे मैंने जिसमें डायरेक्ट मैंने प्लांट्स ना लगाकर दो पोर्ट रख दिए हुए हैं तो आप चाहें तो अलग अलग पोर्ट भी लगा सकते हैं यानी अलग अलग प्लांट भी लगा सकते हैं और एक जैसे भी यह मैंने प्लास्टिक की बॉटल्स को कट करके उसमें मोस्क्रास लगाई है यह मेरे आइसक्रीम्स के कप हैं उनमें मैंने मोस्क्रास लगाई है आइसक्रीम के कप में मोस्क्रास लगाने का यही है क्योंकि मोस्क्रास बहुत जल्दी चल जाती है यह मेरे दो लोहे के कुंडे हैं उनके ऊपर मैंने आ, मेरी जो हैंगिंग बास्केट लगा रखी हैं क्योंकि हैंगिंग बास्केट हैं वह ऊपर थोड़ी ऊंचाई पर होती हैं तो अच्छी लगती हैं ये मेरे कुंडे काफ़ी मजबूत हैं तो मैंने इसके ऊपर पाँच हैंगिंग बास्केट टांग रखी हैं देखिए दो ऊपर हैं एक ये सेंटर में है लेकिन आप फ्रेंड्स ध्यान रखें जब भी आप हैंगिंग बास्केट लगाएं उसमें ऐसे प्लांट्स लगाएं या तो फ्लावरिंग प्लांट्स या फिर अगर आप ग्रीनरी प्रोवाइड कराने वाले प्लांट्स लगाते हैं तो ऐसे प्लांट्स लगाएं जो देख काफ़ी बुशी लगते हैं और नीचे की तरफ़ हैंग करते हुए प्लांट्स जैसे ग्रीन है पत्तों वाले हैं तो वो जब वो नीचे की तरफ हैंग करेंगे तो बड़े प्यारे लगेंगे वंडरिंग जू है वंड्रिंग जू भी जब नीचे की तरफ हैंग करेगी तो अच्छी लगेगी दूसरा फ्रेंड्स जब आप प्लांट्स लगाएं तो देखें कि उसमें आप मिट्टी का यूज़ ना करें यानी मीन्स जब आप हैंगिंग बास्केट बनाएं तो उसमें मिट्टी का यूज़ ना कर आप उसमें कोकोपिट लगाएं क्योंकि कोकोपिट हल्की होती है और हैंगिंग बास्केट में मिट्टी हल्की रहना जरूरी है यानी जो भी आप इसका पोटिंग सॉइल तैयार करें वह बहुत हल्का होना चाहिए तो तो आप इसमें कोकोपीट और खाद दोनों का मिश्रण समान मात्रा में मिलाकर और फिर आप उसमें प्लांट लगाएंगे तो वह बहुत अच्छे से चलेगा और उसके जब हैंग करेगा तो वह भी हल्की होने के साथ साथ जो कील है उसके ऊपर लोड नहीं पड़ेगा क्योंकि क्या होता है कि कई बार जब हम कील ठोकते हैं तो बा, बास्केट भारी होने से कील नीचे गिर भी सकता है पोट पूरा नीचे गिर सकता है तो इस तरह इस बात का जरूर ध्यान दें कि आपकी बास्केट हल्की होनी चाहिए तो आप ग्रिल पर ग्रिल पर टांग सकते हैं कील पर टांग सकते हैं और इस तरह से मैंने देखी विंडो विंडो के ऊपर भी मैंने अपनी जो हैंगिंग बास्केट हैं उनको हैंग किया हुआ है तो विंडो के ऊपर भी बड़ी अच्छी लगती हैं विंडो सबके घर में होती है तो आप इस तरह से अपनी विंडो को सजा सकते हैं विंडो पर लगाएंगे तो दूर से ही आपके प्लांट्स दिखेंगे आप इसमें फ्लावरिंग प्लांट लगा सकते हैं या फिर जैसे मैंने ये अल्टरनेथरा का प्लांट है या तो खा, खाली पत्तों वाला प्लांट है लेकिन इसके पत्ते बहुत सुंदर लगते हैं साथ ही मैंने बेबी सनरोज का प्लांट लगा रखा है इसमें छोटे छोटे पिंक कलर के फ्लावर आते हैं जो कि बड़े ही प्यारे लगते हैं यह है मेरा पोर्चुला का प्लांट है इसमें यह येलो पोर्चुला है तो आप कहने का मतलब है कि चाहे वह ग्रीनरी प्रोवाइड कराने वाले प्लांट हो या ंग प्लांट हो कैसे भी प्लांट हो हर तरह के प्लांट अच्छे लगते हैं ये देखिए मनी प्लांट मनी प्लांट तो वैसे ही हैंगिंग बास्केट में बड़ा प्यारा लगता है इसे अगर आप बुशी बनाना चाहते हैं तो आप इसे कट करते रहिए और मनचाही शेप देकर आप इसे बनाकर रख सकते हैं क्योंकि प्लांट हैं प्लांट को जब आप कट करते हैं तो उन्हें हम अपने हिसाब से उनको शेप दे सकते हैं और मनी प्लांट तो वैसे भी जब हम बास्केट में लगाते हैं तो जब गत वह बुशी होता है तभी प्यारा लगता है तो फ्रेंड्स इस तरह से आप जो भी आपकी हैंगिंग बास्केट हैं उसमें आप प्लांट्स लगाएं हैंगिंग बास्केट में ज़्यादा जगह भी नहीं घिरती है और जैसे हमें नीचे भी सफाई करने का थोड़ी सी दिक्कत नहीं आती है जब हम प्लांट्स नीचे रखते हैं तो थोड़ा सफाई का इश्यू हो जाता है कि हमें कई बार प्लांट्स को जैसे अगर हमने स्टैंड पे रखे हुए हैं तब भी हमारा नीचे से थोड़ा गंदा हो जाता है तो हमें उसको सफ़ाई की प्रॉब्लम आती है लेकिन जब हम इस तरह से हैंग करते हैं प्लांट्स तो फिर उसमें सफ़ाई का भी कोई मैटर नहीं होता है बाकी आप इसमें जब पानी दें तो आप पानी हमेशा चेक करके पानी दें क्योंकि जब बास्केट ज़्यादा ऊँची टंगी होती है तो हम उसमें हम देख नहीं सकते हैं कि कितना पानी है कितना ही तो आप अपनी फिंगर से चेक करें अगर फिंगर वेट लगे तो पानी ना दें और अगर फिंगर थोड़ी ड्राई लगे तो मिट्टी ड्राई लगे फिंगर से तो फिर आप उसमें पानी दें तो हमेशा पानी को चेक करके दें जैसे ओवर वाटरिंग भी ना हो क्योंकि ओवर वाटरिंग से भी फिर प्लांट ख़राब होते हैं और ज़्यादा हमारी मिट्टी ड्राई भी ना हो जिससे प्लांट सूखे भी ना तो इस तरह से प्लांट्स आप लगाएं देखिए हैंग करते हुए कितने प्यारे लगते हैं अट्रैक्टिव लगते हैं हमें सजने के लिए ऑर्नामेंट्स की आवश्यकता होती है ऑर्नामेंट्स हमारी खूबसूरती को बढ़ा देते हैं उसी तरह से जो प्लांट्स हैं वह हमारे घर के नेचुरल ऑर्नामेंट्स हैं और यह हमारे घर की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देते हैं क्योंकि जो मकान है वह प्लांट्स के बिना सोना है मकान वह खाली एक मकान ही लगता है उसको घर बनने के लिए प्लांट्स की आवश्यकता होती है तो फ्रेंड्स आई होप आप आज का मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में Till then, bye, thank you.